Shut up and sit down. सेंटर के पास जहाँ पर तीन दिवसीय अनशन पर बैठे हैं आशीष गहलोत जी, समाज से भी हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में किसान प्रदर्शन करते हैं, अनशन करते हैं, मगर यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में एक जो हिंसा हुई थी तो कहीं ट्रक चला दिया जाता है, कहीं अनशन के लिए नहीं बैठते, मगर यहाँ पर आशीष गहलोत जी ने एक प्रदर्शन नहीं करते हुए अनशन कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। आशीष जी, आप यहाँ पर प्रदर्शन नहीं करते हुए अनशन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो आपकी क्या क्या मांगे हैं, क्यों बैठे हुए आप? देखिए, मैं प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, अनशन कर रहा हूँ, ये इसलिए कि मैं गांधीवादी तरीके से इस अंधी बहरी सरकार का विरोध कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से जैसे महात्मा गांधी एक लाठी और एक धोती लेकर अंग्रेजों का विरोध करते थे। मेरी मांग सीधी सीधी मांग है, 8.25 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बनाई जिसे ट्रामा सेंटर कहा गया, 2 साल पहले उसका समारोह पूर्वक उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, यह कहते हुए किया कि अब सीहोर वालों को भोपाल जाने की जरूरत नहीं होगी, अब सारा इलाज यहीं होगा, ट्रामा सेंटर की सुविधा दे रहा हूं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि आज भी कहने को ट्रामा सेंटर है, परंतु आप देख लीजिए कि ओटी तक बंद पड़ी हुई है, ट्रामा की तो कोई फैसिलिटी उपलब्ध है ही नहीं, ना ट्रामा यूनिट है, ना ट्रामा स्टाफ है, ना ट्रामा इक्विपमेंट्स है, परंतु जिला चिकित्सालय की ओटी में कितने ऑपरेशन होते हैं ये देख लीजिए। आईसीयू हमारा वार्ड हुआ करता था जिसे जनसहयोग से बनाया था, उस जनसहयोग के पैसे से चालू किए गए वार्ड पे, जिसमें 5-6 लाख रुपए का सामान अखिलेश राय जी द्वारा दिया गया था शहर के लिए, वो सारी चीजें खत्म कर दी गई, केवल सीधे सीधे 2 वार्ड बना दिए गए और जनता परेशान है। मेरा अनशन मरीजों की पीड़ा दूर करने के लिए है और उनके परिजनों का भटकाव दूर करने के लिए है और इस शासन के कान के कीड़े झड़ाने के लिए है। आदमी को लाभ मिले, पूरा लाभ मिले, उसे त्वरित चिकित्सा मिले और बेहतर चिकित्सा सेवाएं मुहाल हो, इसलिए मेरा अनशन। ये आप 3 दिन का अनशन है आपका, आप प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, गांधीवादी की जो इशारे होते हैं उनकी जो होते हैं उस पर चल रहे हैं आप, लेकिन ये बात है कि क्योंकि ये गृह जिला है मुख्यमंत्री जी का और ट्रामा सेंटर यहाँ पर करोड़ों रुपए का बना दिया गया था, तो क्या लोगों को फायदा नहीं मिल जाएगा सुविधाओं का? देखिए, ट्रामा सेंटर उस बिल्डिंग को कहें क्या, अगर हम किसी मुर्दे पर लिपस्टिक लगा दें तो वो खूबसूरत दिखने लगता है क्या? आज बेसिक नीड क्या है? बेसिक नीड है इलाज। आप किसी को ट्रामा सेंटर कह दें, आज मैं सीहोर को पेरिस कह दूं तो सीहोर पेरिस हो जाएगा। ट्रामा की कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, ट्रामा की यूनिट नहीं है, ना स्टाफ सेंशन है, बल्कि इस ट्रामा सेंटर ने हमारा जिला चिकित्सालय खत्म कर दिया। 3 दिन में आपका अनशन समाप्त तो भी हो जाएगा और प्रशासन और सरकार नहीं सुनती है, तो इसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए, सीधी सी बात है, भर्राशाही नहीं चलेगी। जो जवाबदेह हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मेरा मतलब कहने का सीधा सीधा है कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। आज जवाबदेही और जिम्मेदारी से काम करने वाला प्रशासन होना चाहिए। अस्पताल के अंदर बिल्कुल भी भर्राशाही नहीं चलेगी, गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, उसका न्याय मिलना चाहिए, बेहतर और त्वरित इलाज मिलना आम आदमी का अधिकार है, उस मानव अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। आपको कांग्रेस और बीजेपी और जो समाज सेवी लोग हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है इसको लेकर भी? देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो भी जो मेरी आइडेंटिटी है वो तो है, हमेशा रहेगी, परंतु ये जो आंदोलन है वो आंदोलन हमने आम जनमानस के हित के लिए बनाया है, हम जनहित में आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए जन समर्थन हमें मिल रहा है। सभी वर्ग के लोग, सभी व्यापारी वर्ग हो, चाहे पत्रकार वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, समाज के लोगों का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। ट्रामा सेंटर में सरकारी डॉक्टर इलाज करते हैं गरीबों के और सबके, मगर उनके खुद निजी क्लिनिक भी चलते हैं, इसको लेकर भी क्या आप यहाँ पे? देखिए, सीधी सी बात है, इस बात की जांच कर ली जाए कि कितने पेशेंट आ रहे हैं आउटडोर पर और कितने पेशेंट भर्ती हो रहे हैं, कितने दूसरी जगह जाकर भर्ती हो रहे हैं। आज अगर सुविधाएं नहीं होंगी तो कोई व्यक्ति मरने के लिए जिला चिकित्सालय आएगा क्या?
उसको मजबूरी में नहीं जाना पड़ता, उसे मजबूर करके भेजा जाता है। तो आप मान रहे हैं जो सरकारी डॉक्टर है उनके निजी क्लिनिक भी चल रहा है यहाँ पर? निश्चित तौर पर कई ऐसे सरकारी डॉक्टर हैं जो निजी क्लिनिकों में प्रैक्टिस करने भी जाते हैं और उनके खुद के भी क्लिनिक चल रहे हैं। तो मतलब सरकारी जो टर्म